हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, कैनन ने अनाउंस कर दिया है दो कैमरा जी सीरीज का, वो है कैनन G7X Mark III और कैनन G5X Mark II। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैनन G7X Mark III के स्पेसिफिकेशन और कुछ फीचर्स के बारे में, क्या नया अपडेट फीचर्स आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैनन G7X Mark III के न्यू फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। कैनन G7X Mark III कैनन G7X Mark II का अपडेटेड मॉडल है, मतलब सक्सेसर है, जो न्यू फीचर के साथ आया हुआ है। कैनन G7X Mark III में न्यू 1 इंच 20.1 मेगापिक्सल स्टैक्ड सीमो सेंसर मिलेगा आपको। एकदम ये नया सेंसर दिया हुआ है जो आपको हाई इमेज क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस एंड डिटेल इमेजेस देता है। यह आपको हेल्प करता है फास्ट ऑटो फोकसिंग, जिससे आप इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। कैनन G7X Mark III में डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर दिया हुआ है, जो अभी कैनन का सबसे अपडेटेड प्रोसेसर है। इसके पहले कैनन G7X Mark II में डिजिक 7 इमेज प्रोसेसर दिया हुआ था। डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, आज का सबसे बहुत फास्ट प्रोसेसर है, जिससे आप फास्ट ऑटो फोकसिंग, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग, फास्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। कैनन G7X Mark III में 4.2x ऑप्टिकल जूम दिया हुआ है। अगर इसे हम लोग mm टर्म्स में कैलकुलेशन करते हैं तो ये 24mm और 24mm टू 100mm है, विथ अपर्चर f1.8 to 2.8 तक, विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसमें इमेज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है। अगर आप 24mm में रखते हैं तो ये 1.8 काम करेगा, अगर वही 100mm में रखते हैं तो ये 2.8 काम करेगा। G7X Mark III से आप ग्रुप फोटोग्राफी, क्लोजअप फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं। कैनन तो इसे एज ए ब्लॉगिंग कैमरा, एज ए ब्लॉगिंग कैमरा के रूप में पेश किया, जिससे आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इस कैमरे से। इसका सेंसर और प्रोसेसर के कारण इसका लेंस बहुत ही शार्प इमेजेस देता है, डिटेल इमेजेस देता है एज टू एज, वो चाहे आप नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हो या वाइड एंगल फोटोग्राफी कर रहे हो या जूम फोटोग्राफी कर रहे हो। कैनन G7X Mark III में आप 4K शूट कर सकते हैं। हाँ, इसका डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर और स्टैक्ड सीमोस सेंसर के कारण आप इसमें 4K शूट कर सकते हैं विदाउट एनी क्रॉप, एट द फ्रेम रेट ऑफ 30p, मतलब आप विदाउट क्रॉप भी आप इसमें 4K शूट कर सकते हैं। इसमें आपका फुल HD स्लो मोशन दिया हुआ है एट द फ्रेम रेट ऑफ 120p तक, इसमें 4K टाइमलेस फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। कैनन G7X Mark III में हाई रेजुलेशन 3 इंच का आपका टच पैनल LCD स्क्रीन दिया हुआ है, जिससे आप टिल्ट अप 180 डिग्री, टिल्ट डाउन आप 45 डिग्री तक शूट कर सकते हैं, जिससे आप अपवर्ड एंगल, डाउनवर्ड एंगल में शूट करने में हेल्प होता है और इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से सेल्फी ले सकते हैं। ये सेल्फी के लिए बहुत ही पॉपुलर कैमरा होगा। कैनन G7X Mark III में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये दिया हुआ है, इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ऑन YouTube, जिसके लिए आपको एक YouTube का अकाउंट होना चाहिए और एक कैनन इमेज गेटवे का अकाउंट होना चाहिए। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ऑन YouTube। कैनन G7X Mark III में वर्टिकल वीडियो शूट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हम लोग वर्टिकल शूट करते हैं कोई भी कैमरा से, तो वो अगर हम स्मार्टफोन में देखते हैं तो फुल डिस्प्ले नहीं होता है। बट कैनन G7X Mark III में को एज अ ब्लॉगर के हिसाब से सोचा है कि अगर वो वर्टिकल शूट करते हैं, मूवी भी शूट करते हैं, तो अगर वो स्मार्टफोन में देखते हैं तो वो फुल डिस्प्ले करेगा। दिस इज फॉर आइडियल फॉर ब्लॉगर्स, ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही आइडियल। जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं और ये लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बैटरी का। तो कैनन G7X Mark III में USB चार्ज कंपैटिबल है, उसके लिए आपको एक USB पावर एडेप्टर PD1 वाया USB से चार्ज आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक एक्सटर्नल माइक दिया हुआ है, जिससे आप हाई क्वालिटी ऑडियो का लाभ ले सकते हैं। कैनन G7X Mark III में डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसके कारण ये कैमरा
बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। इसमें कंटिन्यू शूटिंग कर सकते हैं अप टू 20 फ्रेम पर सेकेंड तक। इसमें रो बर्स्ट मोड दिया हुआ है जिससे आप शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड विथ वन शॉट ऑटो फोकस। कैनन G7X Mark III में आपको वाईफाई और ब्लूटूथ कंपैटिबल है। वाईफाई आपको हेल्प करता है आपके इमेजेस ट्रांसफ़र करने में, और उसके और इसमें आप ऑटो ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है जिससे आप इमेज जब आप वाई क्लिकिंग फोटोज आपका इमेज ट्रांसफ़र हो सकता है, आप इससे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा कैनन कैमरा कनेक्ट, इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन। ब्लूटूथ से क्या होता है आपका लो एनर्जी कंजप्शन होता है। इसमें GPS दिया हुआ है जो हर समय आपका लोकेशन आपका कैप्चर करते रहेगा। इसका वेट है 304 ग्राम्स विद बैटरी एंड मेमोरी कार्ड। तो ये बहुत ही स्लिम है और ये कहीं भी आप अपने एज अ पॉकेट में रख कर निकल सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है कैमरा जो ब्लॉगिंग के लिए, जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, जैसे स्ट्रीट हुआ, ग्रुप फोटोग्राफी हुआ, वाइड एंगल शॉट हुआ, ये ऐसे पॉकेट में लेकर भी कहीं भी निकल सकते हैं। तो ये कैमरा अभी जस्ट अनाउंस्ड हुआ है, अभी ये इंडिया में फ़िलहाल के लिए, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये इंडिया में आया नहीं है। ये अभी कैनन इंडिया में दिखा रहे हैं, कमिंग सून ये, और कैनन USA वेबसाइट में इसमें प्री ऑर्डर लिया जा रहा है। इसका जो प्राइस डॉलर में दिखा रहा है $749, उसको इंडियन में कैलकुलेट अगर करते हैं तो उसका हो जाता है 51 to 53,000 रुपीज़। तो देखिए ये इंडिया में हो सकता है मिड ऑफ अगस्त आने का संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching us.